नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है और इसका कारण दोनों टीमों का खेल नहीं बल्कि प्रशंसक जार्वो 69 है, जिन्हें एक बार फिर मैदान में देखा गया है। जार्वो 69 लॉर्ड्स और हेडिंगले के मैदान के बाद उन्हें इस बार ओवल के मैदान में भी देखा गया है। उनका इस तरह से लगातार तीसरी बार मैदान में घुसना और सुरक्षा को भंग करना अब कई दिग्गज को नहीं भा रहा है। हालांकि यॉर्कशायर ने जार्वो 69 के ऊपर हेडिंगले ग्राउंड में घुसने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, मगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जार्वो 69 के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जहां सभी इस प्रशंसक की आलोचना करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने जार्वो 69 को लेकर अलग ही प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जार्वो ने इस श्रृंखला में कुछ प्रदर्शन किए हैं, ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि वो फिर से पिच पर कैसे आए। मैं अपने बुलबुले में रहने की कोशिश करता हूं और इससे मुझे प्रभावित नहीं होने देता। वो हर बार आने पर सिर्फ 5 मिनट के लिए खेल रोक देता है। आपको बस कोशिश करनी है और इसे दिमाग से ब्लॉक करना है। आपको बस ये देखना है कि आप अगली गेंद कैसे खेलते हो। बता दें कि जार्वो को साउथ लंदन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मैदान की सुरक्षा भंग करने के लिए साउथ लंदन की जेल में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि जार्वो खेल के दूसरे दिन ग्राउंड पर नजर आए थे और जब इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेरस्टो जब दूसरे छोर पर खड़े थे, तब जार्वो उनसे टकराए थे। अगर बात करें चौथे टेस्ट की, तो इस वक्त भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित और राहुल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद दोनों ने ही जल्द ही 50 रनों की साझेदारी पूरी भी कर ली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।